खरगोन शहर में श्री रामचरण पादुका पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने जमकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने चरण पादुका का पूजन कर आरती भी उतारी। श्री रामचरण पूजन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के विराजमान को लेकर जमकर आस्था और श्रद्धा देखी जा रही है। राम मंदिर में भगवान के विराजमान होने के पहले चल रहे जन जागरण को लेकर राष्ट्रीय कवि शंभु सिंह मनहर की अगुवाई में खंडवा जिले के मुंदी स्थित संत सिंगाजी के निर्वाण स्थल से प्रारंभ हुई चरण पादुका पूजन यात्रा का 2 दिन बाद बड़वानी जिले के खजूरी में संत सिंगाजी महाराज की जन्म स्थली पर 31 दिसंबर को समापन होगा। भगवान श्री राम की पादुका में भगवान राम की जन्मभूमि श्रीलंका से लाई रज रखी गई है। यात्रा के संयोजक शंभु सिंह मनहर ने बताया कि धार्मिक यात्रा का उद्देश्य लोगों में जन जागरण लाना है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला विराजमान होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। जय श्री राम। बंधुओं, श्री राम चरण पूजन यात्रा, यह यात्रा सबसे पहले इसका जो प्रयोजन है वो पहले स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्र जागरण, धर्म जागरण और विश्व मात्र के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम के जन्म भूमि की पवित्र रज से निर्मित प्रभु श्री राम के चरणों को श्रीलंका ले जा करके पूजित किया गया। वहां से भारत वर्ष में ला करके रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक इन चरणों की पूजा हुई है। लाखों लाख भक्तों के द्वारा पूजन करने के पश्चात निमाड़ में अब ये चरण हमारे पहुंचे हैं और निमाड़ के परम संत हमारे निर्गुण संत सिंगाजी महाराज के निर्वाण स्थल मुंदी से यात्रा आरंभ होकर के 1 सप्ताह की यात्रा है, 5 दिन की यात्रा करके और हम आज खरगोन पहुंचे हैं। इस यात्रा का समापन होगा बड़वानी पहुंच करके राजघाट पर। हम बुरहानपुर से ताप्ती का जल भी लेके आए हैं, नर्मदा मैया का अभिषेक करेंगे वहां पर कल और उसके पश्चात ये परसों अर्थात 31 दिसंबर को इस यात्रा का समापन निर्गुण संत हमारे निमाड़ के परम संत सिंगाजी महाराज के जन्म स्थल खजूरी पर जाके होगा। जन जागरण, विश्व कल्याण और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या में अपने घर में पधार रहे हैं, अपने मंदिर में पधार रहे हैं, उसके लिए पूरे सनातन समाज को जागृत करके प्रत्येक घर में दीपावली सा माहौल बने, दीपक जलाएं, रंगोली का मानना करें और इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ें, ऐसा लगना चाहिए पूरी दुनिया को। विश्व कल्याण के देवता का नाम प्रभु श्री राम है, जिनका जो अपने मंदिर में पहुंच रहे हैं तो पूरा विश्व आनंदमय हो रहा है। इसका उत्साह हमने अद्भुत देखा है। रात रात हमारी ये जो यात्रा है जो निर्धारित समय से 2-2, 3-3 घंटा तक विलंब से हमारी चलती रही है और हम क्या करें, हम जहाँ पर बहुत बहुत ऐसी हमारी माए जो शबरी की तरह होती है अपने फटे फटे कपड़ों में से वो 10 का नोट चूड़ीदार वैसा करके मसला हुआ नोट निकालती है, अपने आंसू आंखों से लगाती है और गीले आंसुओं से वो भगवान को रखती है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़ के श्रद्धा कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए मुझे लगता है ये यात्रा न शंभु सिंह मनहर निकाल रहा है न अनान्य बंधु मारे, बल्कि इस यात्रा को प्रभु श्री राम विश्व कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण और मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। डॉक्टर शंभु सिंह मनहर ने इस यात्रा का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।